हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुकेंद्र, आप देख रहे हैं कोसी पिक्सेल इंडिया। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को सिखाएंगे किसी भी एलईडी फाइल को मोबाइल से डाउनलोड करने के बाद कंट्रोलर का जो मेमोरी होता है उसके अंदर कैसे डालेंगे। ठीक है, वही मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या लगता है, लगेगा आपको भी ज़रूरत है तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यह है कंट्रोलर का मेमोरी, देख सकते हो एचडी कार्ड। और दोस्तों देखिए, इस तरह का एक ओटीजी केबिल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से 20 रुपये के आसपास। और दोस्तों देखिए, इस तरह का कार्डर भी आपको ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, इसे कार्डर कहते हैं। ठीक है, कार्डर कहते हैं इस USB कार्डर, तो इसका भी ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 50 से 60 रुपये के आसपास। और दोस्तों देखिए, ये आपको ओटीजी सपोर्टेड मोबाइल भी होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप किसी भी प्रोग्रामिंग को, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड करके उसको आपको इसका मेमोरी पर डाल सकते हो आसानी से। तो कैसे डालना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर हमें चल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, देखिए मैंने एक स्मार्टफोन ले लिया है जो कि सैमसंग J2 का है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा स्मार्टफोन है सैमसंग J2। और देखिए दोस्तों, यह है कंट्रोलर का मेमोरी। और देखिए दोस्तों, एक OTG भी मैंने लिया है, देख सकते हो, ये आपको भी ज़रूरत है। और देखिए दोस्तों, इस तरह के कार्डर आप लगेगा, ये आपको भी लेना है, तब जाके आप किसी भी प्रोग्रामिंग को मोबाइल से इस तरह का मेमोरी पर डाल पाओगे। तो देखिए, मैं दिखा देता हूँ किस तरह का आपको इस मेमोरी के अंदर डालना है किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल पर डाउनलोड करके। तो चलिए, इसका आपको क्या कहना है, देखिए इसका आपको पहले यहाँ पर लगा लेना है। देखिए दोस्तों, इसी तरह का। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसका आपको क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट कर लेना। देखिए दोस्तों, इसी तरह का। इसके बाद दोस्तों देखिए, क्या करना है आपको, इसको मोबाइल पर डाल लेना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप जो मोबाइल यूज करोगे, ठीक है, वहाँ पर OTG सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, इसी तरह का। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर देखिए दोस्तों, USB स्टोरेज आ चुका है। तो आपके पास इस तरह का नहीं भी आ सकते हैं, है, आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आप सेटिंग पर जाइए और वहाँ पर आपको एक OTG ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ऑन कर लीजिए, तब जाके इस तरह का आ जाएगा आपके पास भी, इस तरह का स्टोरेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का स्टोरेज आपको भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह का। देखिए दोस्तों, यह डिवाइस स्टोरेज, यह ST स्टोरेज और ये देखिए USB स्टोरेज। ठीक है, तो चलिए मैं पहले प्रोग्रामिंग को डाउनलोड कर लेता हूँ। मान लीजिए, मैंने जो प्रोग्रामिंग आप लोगों के साथ शेयर किया वही डाउनलोड करके दिखाऊंगा अभी। देखिए दोस्तों, यह है फाइल। ठीक है, देख सकते हो, ये है वो फाइल। तो चलिए, इसको पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसी तरह का फाइल आ चुका है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो, ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। पूरा डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या करना है, फाइल से ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, मैं पहले ढूंढ लेता हूँ। देखिए, ये फाइल देखिए डाउनलोड पर
आ चुका है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, देखिए ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोर पर जाके यहाँ पर कॉपी कर लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यूएसबी स्टोरेज पर आपको घुस जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर पेस्ट ही कर देना है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा आ चुका है, देख सकते हो। तो दोस्तों यही है प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको सिंपली अपने कंट्रोलर पर डाल लेना है, ये काम करना शुरू कर देगा। सो गाइज, मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली, मोटिवेशन मिली, कुछ सीखने मिली। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का हर वीडियो को मिस ना हो जाती। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।